टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक बार फिर रिश्ते तार तार होते नजर आए। इस बार बेटे ने अपनी मां की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया और इस पूरे घटनाक्रम को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने कलयुगी बेटे को हिरासत में लेकर पूरे मामले में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। वहीं पकड़े गए आरोपी से काफी बारीकी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इंदौर के घटना थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी मां को मौके घाट उतार दिया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में रहने वाले आदित्य ने अपनी बुजुर्ग मां को जमकर पीटा और पिटाई के कारण जब बुजुर्ग मां की मौत हो गई तो सरफराज की गोली डालकर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करने लगा। इसके बाद इस पूरे मामले में आदित्य ने पुलिस को सुसाइड के मामले में सूचना दे दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एम्पायर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी आदित्य से जब सख्ती से पूछताछ की तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा उसने कर दिया और बताया कि उनका एक बेशकीमती मकान था, उसे मां के द्वारा दूसरे को देने की बात कही गई थी और उसी बात से वो आहत होकर उसने इस तरह का कदम उठाया। वहीं बताया जा रहा है कि आदित्य की गलत हरकतों के चलते मां कई बार उसे समझाइश देते हुए मकान किसी और को देने की बात कह रही थी और इसी के चलते उसने मां की हत्या कर दी और सुसाइड का रूप देने की कोशिश करने लगा। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने पकड़ा गया आरोपी से काफ़ी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये परसों आदित्य जैन नाम का व्यक्ति थाने पे आया था और इसके द्वारा ये कहानी बताई गई थी कि मेरी मां ने सल्फास खा लिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमने प्रकरण की जांच की, मर की जांच करी, जांच में और PM रिपोर्ट और अन्य बयानों के आधार पर हमने ये पाया है कि जो आदित्य ने अपनी माँ का मुँह दबा के उसकी हत्या की है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और शीघ्र ही न्यायालय पेश करेंगे। सर, क्या नाम था इसकी माँ का? नाम था किरण बाला जैन। सर, क्यों इसने जहर देकर मारा था? ये इनका काफ़ी टाइम से, इनकी जो सिस्टर के कथनानुसार इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और माँ अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रही थी और ये मना कर रहा था, इस बात को लेकर इनका विवाद था जिससे उसकी हत्या करी गई। सर, कैसे दिया जहर? पहले गला दबा के मारा? पहले इसने, सबसे पहले तो इसने मुंह दबा, इसका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद इसने मुंह दबा दिया, मुंह दबाने के बाद फिर इसने घटना स्थल को ये बताने का प्रयास किया कि मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, तो वहीं सल्फास की गोली रखी हुई थी, उस सल्फास की गोली ला के उसकी माँ के मुँह में डाल दी। ये PM रिपोर्ट और हमने जो चश्मदी और अन्य साक्ष्य थे, जो इनकी बहनें थी, इन लोगों के बयान के आधार पर और इसकी मुलजिम से पूछताछ के आधार पर इसका खुलासा हुआ। सर, इसमें आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे बताया जा रहा है? जो उसके उसके जो परिवार वालों से पूछताछ की गई थी, कथन लिए गए थे, तो उनका ये कहना था कि ये हॉस्पिटल में 3 दिन का था तभी इसके माता पिता ने इसको गोद लिया था। हाँ, ऐसे ही उन्होंने बताया था कि अस्पताल में कोई इसको 3 दिन का लावारिस छोड़ के चला गया था।